लग रहा है ना देखने में ही ये कितना टेस्टी मैक्रोनी पास्ता बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है इस तरीके से बनी हुई मैक्रोनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसे बेस में इस तरह से फैला देंगे। ऐसा करने से जब आप मैक्रोनी को बॉईल करेंगे तो वो बेस में चिपकेंगी नहीं। इसमें डाल देंगे अब ज्यादा सा पानी, क्योंकि पानी में अच्छी से डूबी हुई होनी चाहिए मैक्रोनी बॉईल करते टाइम। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे नमक और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। इसमें डाल देंगे मैक्रोनी, ये मैंने 1.5 कप मैक्रोनी ली है। मिक्स करेंगे ना थोड़ा सा और बॉईल होने देंगे इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक, और गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम। बीच बीच में आप मैक्रोनी को मिक्स भी करते रहें जिससे कि अच्छे से बॉईल हो जाए। अगर मैक्रोनी ज्यादा बॉईल हो जाती है ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। अभी चेक करेंगे मैक्रोनी को इस तरह स्पून से कट करके। अभी ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गई है मैक्रोनी, तो तुरंत ही इन्हें छानकर इनका पानी निकाल देंगे और इन्हें आप तुरंत ही पानी से वॉश कर लें जिससे कि इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो वहीं रुक जाएगा और ये ज़्यादा बॉईल नहीं होंगी और आपस में चिपकेंगी नहीं। कढ़ाई में डाल देंगे अब 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे इसमें। मैंने 8 से 10 कली लहसुन और 1 इंच अदरक को बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, इन्हें भी भूनेंगे हल्का गोल्डन होने तक। गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम। प्याज भुनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन्हें हल्का सा भून लेंगे लो फ्लेम पर। इसमें डाल देंगे अब 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर आप थोड़ा सही अमाउंट में डालें, मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट में डालें जिससे कि मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होके पकेंगे। मिक्स करेंगे और भूनेंगे इन्हें अच्छे से, साथ के साथ टमाटरों को इस तरह मैश करते जाएंगे। टमाटर भुनने के बाद इसमें डालेंगे 1 कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और भून लेंगे शिमला मिर्च को थोड़ा सा। शिमला मिर्च मैंने टमाटर को भूनने के बाद इसीलिए ऐड की है जिससे कि जो शिमला मिर्च है वो क्रंची रहेगी और टेस्टी लगती है मैक्रोनी में। 3 से 4 बड़े चम्मच डाल देंगे इसमें पानी और अच्छे से मिला लेंगे। बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल देंगे इसमें अब। मिक्स करेंगे। अगर आपको मैक्रोनी में टोमेटो सॉस पसंद है तो आप वो भी अभी डाल सकते हैं इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच। लास्ट में डाल देंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिला लेंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। और तैयार है ये गर्मा गर्म मैक्रोनी सर्व करने के लिए। आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और आप किस तरह से बनाते हैं मैक्रोनी पास्ता मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।